हो गाली गाली गलौज चल रही पीछे गाली गलौज। सो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यार आगे एक और नए व्लॉग के साथ वापस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत मस्त होंगे क्योंकि मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और आपकी मेरे साथ होनी चाहिए। तो गाइस यार एक प्रॉब्लम होगी है कल हुआ में, यानी क्या हो गया, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही यार, या ना ही ये सेल्फ पकड़ रही है ना ही ये, मतलब देखो कैसी आवाज़ें कर रहा है। कल हम पूरे दिन होली खेलते रहे थे ना, तो जब मैं घर आया तो मैंने बाइक बंद कर ली, अंदर रखी मैंने, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट नहीं की। फिर मैंने आज 2 बजे मेरी दीदी का फ़ोन आया कि वो कराट से डग्गी लानी है, मतलब होता ना आटा पिसवाने के लिए गए थे वहाँ पर लानी है, तो मैं गया वहाँ पर लाने के लिए। तो जैसे बाइक स्टार्ट की तो बाइक सेल्फ ही नहीं पकड़ रही, मतलब टी बोलते हैं, ये भी नहीं चल रही, पता नहीं क्या इशू हो गया यार। अब मैंने फ़ोन किया कि गाड़ी शोरूम में ले गया, तो इसकी परसों सर्विस करवाई है, और पहली सर्विस थी इसकी, जब परसों सर्विस कराई ना तो परसों में लेके आ रहा था घर, तो यार इसमें कुछ मतलब अलग सी आवाज़ आ रही थी, इसमें वो आवाज़ नहीं आ रही थी, मतलब ये स्टार्ट करूँ ना तो मतलब खच खच सी, मतलब अजीब सी आवाज़ होती है ना, वैसी अजीब आवाज़ आए। अब मुझे सिस्टम नहीं पता ये क्यों हो रहा है, ना ही ये सेल्फ पकड़ रही है ना ही अलार्म चल रहा है। मेरे को लग रहा है यार वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ना कुछ तो हुआ बाइक में यार, कुछ भी नहीं चल रहा। अब मैं वही सोच रहा हूँ क्या होगा यार बाइक को। तो फिर मैंने पापा को बताया मैं शोरूम में जा रहा हूँ, तो देखते क्या इशू बनता है वहाँ का। तो यार बाइक बिल्कुल मस्त चल रही थी जैसे पहली सर्विस कराई, उसके बाद मैंने क्या इशू हो गया यार, टेंशन पड़ गई है बाइक की। कलुआ को पता नहीं क्या हो गया, अभी कलुआ की और कालिया की शादी भी नहीं कराई थी, तो उससे पहले ये बीमार हो गई है। अब पता नहीं शादी भी अगले महीने में आया तो कैसे करवाएंगे। मैं सेल्फ मारूँ सेल्फ भी नहीं चल रही, ये पता नहीं क्या इशू क्या हो गया इसके। अरे पिछली जो होली वाली वीडियो में उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमें लगभग 200-250 व्यूज़ आ ही गया है आराम से। अब यार मेरे को डर लग रहा है कलुआ को क्या हो गया यार। हाँ देखियो तेरे को क्या लगता है क्या हुआ कलुआ को यार? मुझे लगता है कुछ गलत सर्विस कर दी है यार, क्या पता। अब ये देखो हो गाली गाली गलौज चल रही पीछे गाली गलौज। ये रॉन्ग साइड काट रहे थे भैया, तो उन्होंने गाली दे दी अच्छी खासी, बट ये रुके नहीं खाने के लिए क्योंकि मेरे को लग रहा है खाना खा के आए थे। अबे क्या पागल है यार, ये पागल है, इसलिए गाली खाई है इन्होंने। रिस्क मत लिया करो यार, यारो जो भी मेरी वीडियोज़ देखता है ना कसम से रिस्क मत लिया करो। देखो मैं आराम से चलता हूँ बिल्कुल, चाहे 30, 32, 45 स्पीड में चलता हूँ, बट रिस्क नहीं लेता क्योंकि रिस्क लेने से अपना ही नुकसान होता है। देखो ओ भाई क्या पागल है ये, कट मार रहा है कैमरे को, देखे कट मार रहा है ये, कैसे यार ऐसे मत किया करो यार। बहुत से लोंडे जो यार कैमरे को जब देखते हैं तो वो गलत कट मारते हैं, एक्टिंग नहीं करनी कि भाई हाँ कैमरा में आएगा वीडियो रिकॉर्ड होगी। भाई नुकसान आपका ही होता है, हमारा कुछ नहीं जाता। कल वो स्टार्ट भी नहीं होगा, देखो यार देखो ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा, देखो अब देखो इसकी किक पे स्टार्ट हुआ यार, क्या सीन है यार, ये गलत सीन हो गया मेरे साथ। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि कल की वीडियो कैसी थी, जो होली वाली डाली थी ना हमने, तो वो बता देना कैसी थी, क्योंकि वो जो एडिट की थी ना वो सारा क्रेडिट आतिश को जाता है क्योंकि आतिश ने एडिट की थी वो वीडियो, तो बताना कैसी की थी। बहुत मेरे को तो यार बड़ी सही लगी कसम से, शाहरुख तरुण सरयाल भैया के भी कमेंट आए, क्रिश भैया के भी आए, बहुत ज़्यादा कमेंट आए, तो बहुत अच्छा लगा यार। क्या हाल है भैया, केतन भैया किधर है, केतन भैया खाना खाने गए, ठीक है जान। क्या हाल है, मतलब जब कल बाइक चला रहा था ना, जब जिस दिन लेके गया था ना उस दिन ना ये सेल्फ कुछ खच खच कर रही थी, अभी भी मैंने स्टार्ट की तो स्टार्ट ही नहीं हो रही, सेल्फ ही नहीं पकड़ रही थी, मैं जा रहा था ना ऊपर डग्गी लेने तो स्टार्ट ही नहीं हुई, जब ऑन की तो। डेड हो गई थी, पता नहीं क्यों होगी ये डेड। कह रहे थे कि आप यार कम चलाते हो, मेरे को कम नहीं चलाते, 20-25 किलोमीटर तो लोग चला ही लेते हैं हम, बट तब भी यार इसमें बाइक में ऐसे इशू हो गया यार, और अगर बाइक में वापस अगर इशू हुआ तो बैटरी चेंज करके देंगे। चलो यार कुछ तो हौसला मिला, चेंज तो हो सकती है ना बैटरी अब, बाकी बाइक यार फिर से कल हुआ हमारा ठीक हो चुका है यार, गरीबी बहुत छाई हुई है इसलिए हम सिर्फ 50 का ही डलवाएंगे, 50 का डालना भैया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत बड़ा
इस टाइम नहीं ली है लगभग, मतलब अभी 25 दिन ही हुए, तो दे देती है 40-45 का, वो बोरे 70 का तो देगी लास्ट। हाँ फिर देगी, 130 करवा दिया अभी तेल। हाँ तेल खुला है अभी, 300 का कल डलवाया था, 50 का और डलवा रहा हूँ आज, तेल बहुत है इसमें अभी। हाँ हाँ तो कल हम यहीं पे आए थे यार होली खेलने, तो यहाँ पे पैरू निकला था यहाँ पे इस रोड पे, ये जा रही है आगे पुलिस की गाड़ी, इसलिए हम आराम आराम से चलते हैं, हमें कल हाँ नहीं यार पुलिस से ऐसे लोगों को नहीं पकड़ती जो अच्छे होते ना हमारी तरह, अच्छे होते ना हमारी तरह, अच्छे होते ना हमारी तरह। पता है यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना डिंडर फोर्ट हो जाए, चलेगा? चले यार। तो अभी यार हम आपके लिए डिंडर में एक बार फोर्ट दिखा देते हैं, वहाँ से पूरा रजौरी शहर दिखता है। गाइस ये कृष्णचंदन भैया यहाँ पे बाइक खड़ी है कुछ देख सकते हो, और कृष्णचंदन भैया का यहाँ, कृष्ण भैया का यहाँ से रास्ता जाता है इनका घर का, और ये सामने इनका घर है। बट ये बात बोले तो यार किसी को भी बताना नहीं कि ये उनका घर है कि नहीं आती, ये बिल्कुल सीक्रेट रहना चाहिए, और ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। और ये देखो उनकी कालिया ये हमारी कलुआ को देख रही है, देख सकते हो कितने, अब शादी कराएंगे वो जल्दी भी। सही पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, वो हमारा घर है वहाँ पे पीछे, और ये फोर्ट का रास्ता है शायद यहाँ का, देख बुलेट नहीं है ना हमारे पास, वरना पटाखा तो हम निकाल ही देते। अब कृष्णचंदन भैया रील बनाते हैं मेरे को पता है, हाँ सुबह सुबह रनिंग करने आते हैं। यहाँ से गाइस पूरा रजौरी शहर दिखता है यार, कसम से विश्वास नहीं करूँगा मैं, पूरा रजौरी शहर भी दिखाऊंगा यहाँ से। प्रॉब्लम थी यार वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हमने बैटरी जो थी वो चार्ज करवा दी थी हमने, बाकी यहाँ से कुछ पुर्जा खोला था इन्होंने, वो भी ठीक हो चुका है मेरे हिसाब से। यहाँ से नेट पूरा रजौरी शहर दिखता है यार, देखो कितनी मस्त वाली वाइप आती है यहाँ से, बिल्कुल खतरनाक। और दिखाता हूँ, चलो आतिश आजा। फिर यहाँ से आगे तारे भी लगी हुई हैं, शायद किसी का फोन आ रहा है यार, कहाँ पे भैया? फोर्ट के अंदर जाने देते, इस फोर्ट के अंदर जाने देते? हाँ नहीं जान देते ना, तो मैंने बोला था यार नहीं जान देते, तो यहीं से अभी हमें मुड़ना पड़ेगा। आतिश के उल्टे काम दिखा आतिश, चल सुबह देख सकते हो आतिश के उल्टे काम, देखो क्या उड़ रहा है वो, देखो इतना ना आ रहा वो कैमरे में, बट बहुत दूर जाके गिरा है वो। सो गाइस यार फोर्ट शॉट आपको सब कुछ दिखा दिया, और अभी हम निकलने लगे हैं घर वाली साइड। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैं ऐसा आ गई है, हमें टक्कर ना मार रहे इसने हमने। जैन सर, जैन सर। सो गाइस मेरे हिसाब से मेरे को लगता है यार व्लॉग को यहीं पे करना चाहिए, एंड लगभग व्लॉग की भी लेंथ लगभग 6-7 मिनट की बन चुकी होगी। तो अभी मेरा घर भी आने वाला है, हॉस्पिटल भी आने वाला है, तो मैं आपको क्या ही बोर करूँ, सबसे पहले इंडिकेटर देता हूँ और यहाँ से मुड़ता हूँ और करता हूँ व्लॉग को एंड। अरे भैया साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। सो गाइस व्लॉग को मेरे हिसाब से करते हैं यार एंड। तो व्लॉग पसंद आया तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खाते पीते रहो। ओके बाय, भूख भी लगी है मेरे को, अभी आगे से कुलचा खाऊंगा। ओके बाय गाइस, और कमेंट करो, भर के कमेंट करो जो सीन अच्छा लगा हो आपको।